इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे फोकस फीडबैक की बात करेंगे तो देर आर सर्टन थिंग्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू इम्प्लीमेंट इज दैट वी नीड टू आस्क अबाउट टेन पीपल टू गिव अस देर फीडबैक उनको हमें यह बताना है कि हम किस तरफ किस वजह से किस कॉन्टेक्स में पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे थे और कहां पर हम नेगेटिव रिएक्ट कर रहे थे सो अबाउट टेन पीपल आउट ऑफ योर स्टेक होल्डर्स आर गोइंग टू ब्रीफ आर गोइंग टू प्रोवाइड द फीडबैक अबाउट आर कंडक्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू आस्क फ्रॉम दैम हमारे उन बिहेवियर्स में पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे ताकि हम फ्यूचर में उसको री इन्फोर्स वो कर सकें और उसकी री इन्फोर्समेंट से हमारे लिए आसान होगा कि हम अपने कंडक्ट को अपने बिहेवियर को अपने एटीच्यूड को वो इंप्रूव कर सकें विदेज ऑफ टाइम इन दैट कॉन्टेक्सट एक्चुअली वी नीड टू आस्क सर्टन क्वेश्चन कि हमने कब कहां क्यों कैसे अपना बर्ताव कैसा रखा और उस बर्ताव के मुताबिक द अदर पीपल आर टू टेल अस कि हमारा बिहेवियर वो कैसा है Therefore, जब हम उनसे बिहेवियर के बारे में डिमांड कर रहे हैं तो अनदर इंपोर्टेंट स्टेप वुड बी कि हम इस सारी समरी को इस सारे कॉन्टेक्स्ट को वो समराइज करें कंपाइल करें ताकि हम ये जान सकें कि हमारा बिहेवियर किन किन एस्पेक्ट्स में वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड था और कहां कहां पर हमें अपनी कुरेक्शन की और अपनी बेहतरी की जरूरत वो है देर फॉर इन इमोशनल कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलरली यू आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस जहां पर हम सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस कंट्रोल जैसे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हमारे लिए एक बहुत अहम अमर यह भी है कि हम यह जान पाए कि लोग हमें क्या कह रहे हैं उनका फीडबैक हमारे लिए क्या है और उसके मुताबिक हम वर्ड्स विच आर बेसिकली कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स उनको कलेक्ट करें और उनकी कलेक्शन से वी कैन इवन मेक अ क्लाउड अ वर्ड क्लाउड जैसा कि आपको यहां तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि हम एक वर्ड क्लाउड क्रिएट करें कि जिसमें कीवर्ड्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड यूज किए गए हम उनको बेहतर तौर अरेंज कर सकें इन अ मैनर कि हमारे पास एक सिक्वेंशियल एल्गोरिथम वो क्रिएट हो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम ये जान पाए कि कौन से अल्फाज कौन से एस्पेक्ट्स, कौन से बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स हमने कब कंडक्ट किए कब हमने उनको प्रोमोट किया कब हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया ताकि हम ये जान सकें कि लोगों के साथ तालुकात और मामला में हमें किन किन एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना है और कब कहां क्यों कैसे हमें अपने बिहेवियर को करेक्ट करके फर्दर डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर जाना है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम ये भी जान पाए कि जब हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उस इंटरेक्शन के दौरान हमारा बेस्ट कंडक्ट वो किस वक्त हुआ Because उसी बेस्ट कंडक्ट को हम अपने लिए बेंच मार्क भी कर सकेंगे कि हम ये भी जान सकें कि वेन वी वर मोर माइंडफुल और अपने उस माइंडफुल होने से ऑब्वियसली हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो ट्रिगर हो रहा था और उस ट्रिगरिंग से हम बेहतर तौर अपने किरदार को अपनी गुफ्तार को गुफ्तार्ट्रेट वो, वो कर सक रहे थे तो हमें उन अपॉरचुनिटीज को अवेल करना है जो हमारे सिविल सेंस को प्रमोट वो कर रही हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्पेक्ट ऑन द स्लाइड इज के हमें इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ्स को वो हाईलाइट करना है अपने इंटरपर्सनल तालुक को जहां पर हम अपने होम में अपनी कम्युनिटी के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि उस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उस इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट के अंदर हम कहां पर बेहतर तौर अपनी नुमाइंदगी वो कर सक रहे थे ये तमाम चीजें हमें इसलिए रिक्वायर्ड होंगी ताकि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर से बेहतर डेवलप कर सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनका फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये जान सकें कि आइंदा के लिए हमें किस किस्म का कंडक्ट किस किस्म का रिलेशनशिप वो स्ट्रेंथन करना है और वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हम बेहतरीन तौर पर अपने डेमॉन्स्ट्रेट वो कर पाए थे थैंक यू